तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो कि बेसिकली इसमें क्या है। ये कहते हैं कि एक बार मैग्नेट है और वो बार मैग्नेट विथ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट बार मैग्नेट का यहाँ दिया हुआ है 5.0 एम्पीयर मीटर स्क्वायर, इज प्लेस पैरेलल पॉजिटिव रिलेटिव टू द पैरेलल पोजीशन रखा हुआ है रिलेटिव टू मैग्नेटिक फील्ड 0.4। मतलब एक बार मैग्नेट यहाँ पर है और वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है। ये बार मैग्नेट है और मैग्नेटिक मोमेंट देखो, अगर ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है नॉर्थ से निकल के साउथ को आती हैं ऐसे, ठीक है, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ को आती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है नॉर्थ से निकल के साउथ को जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से तुम देखोगे ऐसे आएगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है नॉर्थ से साउथ होती हैं, तो ये कौन मैग्नेटिक फील्ड है जो मैग्नेट ने बनाया भाई? तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ है, तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है इसके अपोजिट होता है, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे है, और ये बार मैग्नेट विद मैग्नेटिक मोमेंट प्लस पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, और बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इधर ही है। बात आ समझ में? तो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड तो थीटा कितना है? 0। दूसरे केस में क्या होगा, इसी मैग्नेट को मैं उल्टा रख दूंगा, तो अगर मैं इसी मैग्नेट को उल्टा रख दिया तो फिर क्या होगा भाई? तो दूसरे केस में अगर मैं इस मैग्नेट को उल्टा रख दिया, बात आ रहा समझ में, तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन है नॉर्थ से निकल के साउथ को जाएंगी, तो मैग्नेटिक मोमेंट अपना डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है नॉर्थ से साउथ, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसके अपोजिट आएगा साउथ से नॉर्थ। तो मैग्नेटिक मोमेंट अपना ऐसे ऐसे डायरेक्शन हो जाएगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है अब एंटी पैरेलल हो जाएगा, तो θ180°। ये कन्फ्यूज मत होना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जो मैग्नेट ने बनाया भाई। तो बात आ रहा समझ में? तो ये दो केस है। अब हाँ, पैरेलल टू रिलेटिव मैग्नेटिक फील्ड 0.4 दिया हुआ है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द पैरेलल टू एंटी पैरेलल, मतलब ऐसा करने में इसको, मतलब हाँ, पैरेलल से एंटी पैरेलल करने में कितना वर्क डन होगा ये हमें निकालना है। तो हम सबको पता है कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन का फॉर्मूला रट लिए हो, ठीक है, आई होप कि रट लिए होगे। तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है -MB, समझ रहे हो, MB cos θ2 - cos θ1, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो वर्क डन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा -MG4, मैग्नेटिक मोमेंट 5 है, मैग्नेटिक फील्ड 4 है, cos θ2, तो cos θ180 और -cos0। थीटा और जीरो जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो यहाँ से 0.4 और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से 5, और ये -1 और ये -1, तो माइनस माइनस ये प्लस, तो ये 0.4 × 5 × 2 यहाँ से, तो यहाँ से 0.4 और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 जूल वर्क करना पड़ा होगा इसको ऐसे घुमाने में, ठीक है। मतलब ये ऑप्शन सारे गलत है। पैरेलल से एंटी पैरेलल करने में हमें रखने में 4 जूल का वर्क करना पड़ा होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।